Hi everyone, hope you are doing well. In previous lecture, we will discuss about NCERT solution exercise 9.1 and now we move forward to exercise 9.2. In this playlist, we will discuss about all the NCERT solution of chapter 9. Thank you for supporting us. We will move forward to exercise 9.2. Question number 1. Find the product of the following pair of monomial. जो मोनोमियल्स है उनके प्रोडक्ट करने हैं अपन को. अब मोनोमियल्स क्या होते हैं जो आप पढ़ चुके होंगे, जो जिस एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली क्या होता है, वन ही होता है. जैसे कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक ही पार्ट हो या एक ही टर्म हो, उसे क्या बोला जाता है, मोनोमियल्स बोला जाता है. तो मोनोमियल्स का अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. प्रोडक्ट को आपको नहीं पता तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ही बोलता है. ये सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का. जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, देखिए 4.7p प्रोडक्ट करना है. तो 4×7p, तो प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्या है, पहले तो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो. 7×4 बताइए क्या होता है, 28 और पी एज इट इज़, क्योंकि और कोई वेरिएबल है ही नहीं. होता तो अपन उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, -4p, 7p, तो क्या लिखेंगे, -4p×7p. सबसे पहले कॉन्स्टेंट का काम कर दो, 7×4 = 28, माइनस अकेला है तो लगा दीजिए, p और p दो पावर है, 1 1, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सेम वेरिएबल है, पावर जुड़ती है मल्टीप्लाई में, तो क्या है, दोनों में 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में अपन देखते हैं, -4p, 7p³, 4p माइनस का इंटू 7p³, तो बताइए, 7×4 = 28, माइनस अकेला ही है माइनस का साइन, पी और पी दो है ना, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू अकेला है तो क्यू ऐसा वैसा ही रह जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करते हैं, 4p³, -3p, तो करिए 4p³×-3p, क्या आंसर आएगा बताइए, 4×3 = 12, माइनस अकेला है तो माइनस लगा दीजिए, पी और पी पी थ्री इसके पास है, 1 इसके पास है, तो पी की पावर 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. और लास्ट क्वेश्चन है जो 5th, 4p,0, तो 4p को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से. 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 ही हो गया. इज इट क्लियर. ये सारे जो फर्स्ट थे उसके अपन ने सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में आएंगे. पहले इसको रब कर देता हूँ मैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली. ये लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, अपन को एरिया निकालना है हर एक का. तो 2 का जो सबसे पहला ए वाला है, p, q, इसका एरिया निकालना है. क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया क्या होता है, लेंथ. तो एरिया आंसर क्या आ गया, एरिया क्या हो गया, पी क्यू हो गया. बी वाले का देखिए, 10m, 5n, एरिया निकालना है, तो क्या एरिया होगा, 10m×5n, तो बताओ 5×10 = 50 mn, ये इसका एरिया हो गया. ठीक है, इसी प्रकार सी वाला देखते हैं, 20x², 5y², बताइए क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 20x²×5y², तो क्या आंसर आ जाएगा, 25×100x²y². डी वाले में देखिए, 4x, 3x² दे रखा है, एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ, 4x×3x², कितना हो जाएगा, 12x², 2 और 1, 3x³ हो जाएगा. और लास्ट ई वाला देखते हैं, 3mn, 4np, तो करते हैं इनका एरिया, 3mn×4np, कितना हो गया, 12, m तो एक ही है, n दो है तो n² और p अकेला है तो एक ही आंसर हो जाएगा.
अपन ने इस दोनों क्वेश्चन को आराम से कर दिया, दोनों क्वेश्चन इजी है, दोनों में अपन को मोनोमियल्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। जो टेबल है प्रोडक्ट्स की उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट मोनोमियल ये दे रखा है, सेकेंड ये दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखिए 2 2 4 हो गया और एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अपन इसको इससे देखेंगे, तो देखिए 5 2 10 और ये एक माइनस का है तो माइनस का 10, एक्स और वाई अकेले अकेले तो एक्स और वाई लिख दिए। इसका इससे करते हैं 3 2 6, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यूब, 2 और माइनस का 4, बताइए माइनस का 4, 4 2 8, एक ही माइनस का है तो माइनस लगा दिया, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर और वाई अकेला है तो वाई अकेला लिख दो, 7 2 14, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स की पावर क्यूब 3 और वाई अकेला। इसी प्रकार देखें 9 माइनस का 9 तो 18, 9 2 18 माइनस का एक्स स्क्वायर तो इधर है ही है, उधर एक्स है तो एक्स क्यूब, वाई तो है ही नहीं तो वाई स्क्वायर जो है एज इट इज़ लिख दिया मैंने। उसी प्रकार देखिए इसमें 5 2 10, 10 लिख दिया, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, एक्स और वाई कितना हो गया एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 5 20 हो गया, एक वाई और वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलर ये तो दे ही रखा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5 4 कितना हो गया 20 हो गया, और एक्स तो अकेला ही है और वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 और माइनस का 5 और 7 कितना हो गया माइनस का 35, एक्स स्क्वायर इधर तो एक्स है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, वाई और वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार ये भी माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, 9 5 45 हो गया और एक्स स्क्वायर है फोर्टी फाइव हो गया, एक्स इधर तो वाई है, इधर एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई इधर एक है और इधर क्या है क्यूब स्क्वायर है तो वाई का क्या हो गया 3 हो गया, क्यूब हो गया। सिमिलरली 3 को 6 2 से किया तो 6 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स किया तो एक्स की पावर 3 हो गया, 3 को 5 से किया 15 हो गया, अब माइनस एक अकेला ये तो 15 हो गया माइनस का, और एक्स स्क्वायर तो है ही और इधर वाई है तो वाई अकेला हो गया। अब इसको और इसको देखेंगे, दोनों 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, एक्स और एक्स, एक्स ही लिख दूंगा, पावर 2 और 2 4 हो गया 4 हो गया। इसको और इसको देखेंगे 4 3 जा 12 हो गया, एक ही माइनस है तो माइनस का 12 हो गया, एक्स स्क्वायर इसके पास है एक इसके पास है तो एक्स की पावर 3 3 हो गया, वाई अकेला हो गया। अब इसको देखेंगे 7 3 जा 21 हो गया, एक्स स्क्वायर इधर है और इधर भी स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो गया, वाई अकेला हो गया। इसमें देखिए 9 3 जा 18 18 लिख दो और ये माइनस का है, सॉरी 9 3 जा 27 और यह माइनस का है तो माइनस का लगा दीजिए, और एक्स इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी और वाई की स्क्वायर ऐसा वैसा ही रह जाएगा। सिमिलरली इसमें देखें इसको और इसको देखेंगे, ये वाला नंबर की बारी है, 4 2 8 हो गया, ये एक माइनस का तो लगा दिया मैंने, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और वाई है ही नहीं एक ही है तो वाई इसमें से मैंने इसमें लिख दिया। अब इसमें देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20 हो गया, देखो एक्स है ही नहीं एक ही है और वाई 2 है तो वाई स्क्वायर लिख दिया। इसको इसमें देखेंगे 4 3 12 हो गया, पर एक ही माइनस का है तो माइनस का 12 हो गया, एक्स स्क्वायर या एक हो एक्स क्यूब हो गया और वाई रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया देखिए, और एक्स और वाई है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 और दोनों क्या हो गए 2 2 है तो स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब 7 और माइनस का 4 है ना, 7 और माइनस का 4 हो गया तो 7 4 28 और एक माइनस का तो लगा दिया मैंने, एक्स इधर एक का है इधर 2 है तो टोटल 3 हो गए और वाई इधर एक है तो स्क्वायर हो गया। ये भी माइनस का है देखिए, 9 माइनस का और माइनस का 4 है, दोनों प्लस के हो गए, 9 4 36
और एक्स इसके यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल ही है, तो एक्स क्यूब, इधर वाई स्क्वायर है और सिंगल ही है तो वाई क्यूब। अब नेक्स्ट आते हैं अपन सेवन वाले में, 7x² y है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों को अपन देखते हैं, 10^14 एक्स यहाँ पे 2 है और 1 इधर है, तो 3 और y। अब इसमें आते हैं 7^5 = 35, 1 माइनस का है तो माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर अकेले ही है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई इधर भी उधर भी, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो 3x, 7^3 = 21, 21 लिख दिया, माइनस है ही नहीं, एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक्स की पावर 4 हो गई और वाई अकेले ही रह गया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 7^4 = 28, वो माइनस लग गया क्योंकि एक माइनस है, यहाँ पे एक एक्स है, इसमें 2 है, तो टोटल 3 हो गए, इधर एक वाई है, इधर भी एक वाई है, तो इधर वाई 2 हो गए। अब इसमें आए 7^7 = 49 हो गया, और एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो गया, वाई और वाई, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए माइनस का 9, 9 7 का कितना हो गया, 63 हो गया, माइनस एक बच रहा तो माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, वाई स्क्वायर और वाई कितना हो गया, वाई की पावर 3 हो गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए माइनस का है 9 है और ये 2 है, तो 9^2 = 18, एक माइनस का लग जाएगा, एक्स इधर है, इधर भी एक्स की पावर 2 है, तो टोटल 3 हो गए, वाई का है ही नहीं, तो ऐसा कैसे ही आपको उतारना पड़ेगा। माइनस का 5 है और माइनस का 9 है, तो क्या हो गया, 9^5 = 45, प्लस का हो गया, इधर एक्स स्क्वायर, वाई तो है ही नहीं, वाई इधर है, इधर भी है, वाई का क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए 3x² है, 9^3 कितना हो गया, 27, एक माइनस का हो जाएगा, x² कितना हो जाएगा, इसकी पावर 4 और वाई तो है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर। अब इसको देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9^4 कितना होता है, 36, एक्स दोनों में एक्स वाई है, इधर भी एक्स है, तो एक्स की पावर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, वाई की पावर भी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए प्लस का एक माइनस का है, तो 7^6 = 63 आ जाएगा माइनस का, और एक्स इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, इधर वाई 2 है, उधर 1 है, तो वाई की पावर 3 हो जाएगा। लास्ट जो है क्वेश्चन, माइनस का नाइन, 9^9 = 81 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ये अपन ने सारी टेबल कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अपन, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रिथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। जिस प्रकार अपन ने एरिया का क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार वॉल्यूम निकालो, रेक्टेंगल निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट होता है, और लेंथ भी दे रखा है, ब्रिथ भी दे रखा है, और हाइट भी दे रखा है। तो देखिए 4 का क्वेश्चन नंबर ए, 5a 3a² और 7a^4 ये दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। चलो इस आधार पे नहीं, अपन एक टेबल के आधार पे करते हैं ना। यहाँ पे तो अपन लिख देंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। ठीक है, और यहाँ पे अपन लिख देंगे वॉल्यूम। रेक्टेंगुलर बॉक्स साइज, है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5a, 3a², 7a^4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 5a (3a² - 7a^4, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, 5^3 = 15। ठीक है, 15^7 टेबल तो आपको पता ही होनी चाहिए क्या होता है, 15^7 कितना आ गया, 105। ठीक है, फिर a^4 बताइए, 2 और 1 = 3, 3 और 4 = 7, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। इजी है बहुत ही, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपनी देखिए सोल्व करेंगे, 2p, 4q, 8r, 2p, 4q, और 8r, पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 8 8 64, देखो कोई भी वेरिएबल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा तो पी क्यू आर, ठीक है। अब आ गया अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड में, xy, 2x2y, 2xy2, xy (2x2y)(2xy)2। देखिए कांस्टेंट में 2 2 4, तो 4 लिख दिया, x की वैल्यू इसमें 1 है, 2 है, 3 हो गया और 1 4 हो गया, x की पावर 4, y की पावर देखिए 1 2 3 4, y की पावर भी क्या है 4 हो गया, तो ये आंसर हो गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है 4 वाला वो भी डिस्कस कर लेते हैं, a, 2b, 3c, है ना, तो a (2b)(3c, तो आंसर क्या हुआ 3 2 6, ए बी सी तीनों वेरिएबल अलग है तो ए बी सी अलग से होगी। ये अपन ने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, कितना इजी क्वेश्चन था, अपन ने सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर दिया। अब अपन ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, इसको रब कर देता हूँ मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब अपन देखते हैं उसमें लिखा है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, 5 के जो ए क्वेश्चन है इसमें ये प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है xy, yz, zx, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, अभी तक जो अपन करते हुए आ रहे हैं yz(zx), ठीक है। चलो अपन इसको एक स्ट्रेट फॉर्म में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, xy(yz)(zx), बताइए x कितने 2 है तो x की पावर 2, x y की पावर कितनी है 2 है तो y की पावर 2, और z की पावर भी 2 है तो z की पावर, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो अपन ने इसको रहने दिया। b में a, -a² (a³) देखिए माइनस का है और माइनस का 1 है, यानी माइनस आ जाएगा, और कोई माइनस होता तो प्लस हो जाता, पर नहीं है, सारे एक ही वेरिएबल, इसके इसके पास एक पावर है, इसके पास 2 है, टोटल 3 3 और 3 6, a² (6), ठीक है। अपने ए भी लिख दिया है, क्वेश्चन के जो आधार पे जो होता है वही लिखना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, वही लिख देता हूँ मैं आपको। और जो थर्ड वाला है 2, 4y, 8y² (16y³), तो 2 को इंटू कीजिए 4y से, इंटू कीजिए 8y² से, इंटू कीजिए 16y³ से, करिए 4 2 8, 8 8 64, है ना, 64 को फिर 16 से करना है, तो करके देख लीजिए 64 को 16 से, ना 6 4 24 6 30 37 38 (4 और 6), देखिए 4 इनको करिए 12 9 और 10, 1024, ठीक है, तो 1024 आ जाएगा, ठीक है, 1024, तो कांस्टेंट में आ गया, सारे वही है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 3, और इसके 3 6, टोटल 6 आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे 4 वाला, मिटाना चाहूँगा बाकी क्वेश्चन, 4 वाला करते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a, 2b, 3c, 6abc, ठीक है। तो अब देखिए a(2b)(3c)(6abc) की करिए मल्टीप्लाई, 3 2 6 6 6 36, a² बी का भी 1 2 है तो b², सी का भी मैंने 2 देखा तो c², ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th है, जो लास्ट है, m - mn (mnp),
देखिए माइनस एक ही दिख रहा है तो माइनस लगा दीजिए, फिर एम 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 थ्री दिख रहे तो एम की पावर थ्री, एन दो दिख रहे तो एन की पावर दो, और पी अकेला ये तो पी, और ये आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।